पूर्वी बख्तियारपुर प्रखंड के अंतर्गत सिटनाबाद दक्षिण से वार्ड नंबर 12 से वार्ड सदस्य मोहम्मद वसीम को जनता अपना बहुमूल्य वोट देकर अपना वार्ड सदस्य प्रत्याशी चुने, ताकि उस वार्ड में सही विकास हो सके और सरकार के सारी योजनाओं को इस वार्ड की जनता तक पहुंचाया जा सके। साथ ही जीत की खुशी में अपनी जनता को चैनल के माध्यम से हार्दिक बधाई दे रहे हैं। वार्ड नंबर 12 में है, एक ईमानदारी की सुर दिखाए। इससे पूर्व बढ़े उसमें भी हमने ईमानदारी से काम किए, किसी का एक पैसा नहीं लिए कोई भी काम में, और हम फिर वादा किए जो हमने विकास करेंगे, रोड नाली जैसे आंगनबाड़ी की देख रेख और जितने भी है स्कूल की बच्चे की पढ़ाई की, ये सब मैटर हमने जनता को दिखलाए और कहे जो हमने करेंगे। और एक फ्रैक्चर है, यहाँ ईदगाह की कमी थी, जो हमने यहाँ की मुस्लिम बहु वार्ड है इसमें हमने वादा किए जो हम ईदगाह बनवाएंगे, स्कूल मदरसा बनवाएंगे, ये सब हमने अपना वादा किए हैं। इंशाल्लाह हमने ज़रूर ये सब लाएंगे और किसी को जो है ऐसे वंचित नहीं होने के लिए देंगे जो लाभ नहीं मिले। हम हर घर घर को लाभ पहुंचाएंगे। ये ना हम अपने पंचायत को मेरे चैनल से माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? हम अब पूरे पंचायत को ये लाभ देना चाहते हैं, सब मिलजुल करके एक बन करके पंचायत को आगे बढ़ावे, शिक्षा को आगे बढ़ावे। हाँ, ईमानदारी से हमारा यही ये है जो शिक्षा आगे बढ़े, ताकि शिक्षा से ही हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा गाँव आगे बढ़ेगा, और ईमानदारी से ही करना है। आप जीत गए हैं जी, जीतने के बाद इस क्षेत्र के लिए क्या क्या करेंगे? क्षेत्र के लिए हमने रोड बनाएंगे, नली गली, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, जो है इंदिरा आवास दिलवाएंगे या पेंशन दिलवाएंगे, ये हमारी कोशिश रहेगी, हमारी प्रयास रहेगी। इस क्षेत्र की जनता आपको जिताए हैं तो उनको क्या कहना चाहते हैं, क्या धन्यवाद देना चाहते हैं? हाँ, मैं उन जनता जो जिताई उससे जो है हम दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि उन्हें दिया, और हम उनका काम करेंगे। रक्सौल में पंचायत चुनाव के रक्सौल और रामगढ़वा के जिला परिषद पद के लिए क्षेत्र संख्या 1, 2, 3 और 4 से नामांकन करने वाले कुल 75 प्रत्याशियों ने नामांकन किया, जिसमें से 3 प्रत्याशियों का नामांकन अस्वीकृत हो गया और 72 प्रत्याशियों का नामांकन स्वीकृत हो गया। स्वीकृत होने वाले प्रत्याशियों में रक्सौल जिला परिषद क्षेत्र संख्या 1 से इंद्रासन कुमार, इसराइल मियां, गौतम कुमार, विपिन कुमार, रमानंद प्रसाद, महमूद आलम आदि लोगों के नाम शामिल थे। साथ ही अनुमंडल निर्वाची सह अनुमंडल पदाधिकारी सुश्री आरती एवं अपर निर्वाचन पदाधिकारी संतोष कुमार ने सभी प्रत्याशी और प्रस्तावकों के साथ बैठकर नामांकन स्वीकृत और अस्वीकृत होने की घोषणा कर प्रत्याशियों को माइकिंग पर बताया, जिसको लेकर अनुमंडल प्रत्याशी की बैठक स्थल के पास प्रत्याशी और प्रस्तावकों का जमावड़ा लगा रहा। अभी हम रक्सौल अनुमंडल में उपस्थित हैं और आज यहाँ नामांकन के बाद स्क्रूटनी हो रहा है, जिसमें कुछ लोगों का नाम अस्वीकृत हो गया है और कुछ प्रत्याशियों का स्वीकृत हुआ है, जिसको लेकर अनुमंडल निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी सभी प्रत्याशियों के साथ बैठक कर उन्हें यह बता रही हैं किसका नाम स्वीकृत हुआ है और किसका नाम अस्वीकृत हुआ है। आइए आपको हम दिखाते हैं। R9 भारत के लिए राजेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट।